प्रिलिम्स के लिए अगर मुझे आपको कोई टिप देनी हो तो वो ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और उन प्रैक्टिस का जो मोटिव है वो आपको ये होना चाहिए कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपको गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, जो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं वो सिर्फ गलत हो जाना है, उसे पढ़ लेना एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस ये है कि आप ये देखें कि गलती क्यों हुई, गलती आपके नॉलेज की वजह से है कि आपने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक तो आप जाके पढ़ लीजिए, गलती है कि आपने पढ़ा था पर आप भूल गए तो आप रिवाइज कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आप ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आप उसमें इम्प्रूव करिए। आप अपनी गलतियों को पहले सेग्रीगेट कर लीजिए और उस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लीजिए। इसके अलावा जब भी टेस्ट सीरीज करें या कोई प्रैक्टिस करें तो एक नोटबुक या रजिस्टर जिसको आप सब्जेक्ट्स में सेग्रीगेट कर लें, पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे करके उसमें फ्लैग्स लगा दीजिए, और जो भी चीज़ें गलत होती हैं या जो भी आप बार बार भूलते हो उसमें नोट्स बना लीजिएगा। सो दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग पॉइंट्स दैट यू टेंड टू फॉरगेट, एंड श्योरली अगर आप अपनी गलतियां अभी से रेक्टिफाई करेंगे तो इट विल हेल्प यू इन इम्पॉर्टेंट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग actually during any part of your life, during anything that you are doing, but more so अगर आप UPSC के लिए prepare कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी challenging लगता है, एक साल की पूरी cycle है, उसमें तीन stages हैं और तीनों elimination stages हैं, तो how to take care of your mental health is कि आपको एक तो अपना motive याद रखना है कि आप यहाँ पे क्यों हैं, एंड हमेशा फोकस करिएगा अपना बेस्ट और अपना 100% देने पे। यूजुअली हमें बुरा तब लगता है जब हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये बात मेरे लिए आज कहना ज्यादा आसान है, वेयर आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन, बट बिलीव मी जस्ट गिव योर 100%। यदि आपने अपना 100% दे दिया तो होना ना होना यू विल नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। बाकी आई थिंक देर आर मैनी मैनी वंडरफुल करियर्स आउट देयर एंड इट डजंट मैटर वॉट वी अल्टीमेटली चूज टू डू, बट टू टेक केयर ऑफ आर मेंटल हेल्थ, टू मेक श्योर दैट वी रिमेन हैप्पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप योगा, मॉर्निंग वॉक, इन चीज़ों को अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए, फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए, नॉट थ्रू सोशल मीडिया, जनरली यू शुड बी कनेक्टेड, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट गिव योर 100% एंड यू कैन फॉरगेट द रेस्ट।